बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब चंगे भले होंगे, बहुत खुश होंगे। आज आपको रमज़ान स्पेशल मखमली हांडी बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी, टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल बनती है, अथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही इजी है। तो इसके रूल्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है और रेसिपी को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 kg बोनलेस चिकन ले लिया है मैंने। इसमें एक लेग पीस है तो इसको इसी तरह रहने देती हूँ। बाकी जो चिकन था उसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। अब इसमें जाएगा 2 tablespoon सिरका। सिरका इसको गलाने में भी मदद देगा, बहुत अच्छा से एक टेक्सचर भी देगा। उसके बाद सोया सॉस जाएगी 2 tablespoon और 2 tablespoon इसमें जाएगी चिली सॉस। सॉसेज ऐड करने के बाद इसमें ऐड करूँगी मैं स्पाइसेस। तो स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 teaspoon जाएगा इसमें नमक और 1 teaspoon रेड चिली पाउडर। फिलहाल ये दोनों मसाले ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। बाकी नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से मसाले ऐड करने हैं। तो अब इसको चंगी तरह से मिक्स करके मैं 1 घंटे के लिए इसी तरह रख दूँगी। फ्रिज में नहीं रखना, आपने बाहर ही रखना है। तो 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी। इसके बाद 5 लहसुन के जवे लिए हैं, 3 छोटे साइज़ के टमाटर और 1 medium size का प्याज लिया है। इनको कर लेना है हमने चॉप। तो आपने बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने चॉप कर लिया है। इसके बाद पैन में मैंने लिया है 5 tablespoon घी, इसको चंगी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें डालूंगी 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हमने अब फ्राई कर लेना है। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही यूनिक है और बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर अब इसको हम ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से ये ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो लहसुन टमाटर और प्याज को चॉप करके रखा था, ये सारा कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है कि जब हम इसमें चिकन ऐड करें तो ये जल जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से ये लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पास जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, ये ऐड कर देंगे और फिर हम इसको चंगी तरह से एक दफ़ा से मिक्स कर देंगे। तो चिकन को मैंने ऐड कर दिया है, अब हम इसको करते हैं मिक्स। और इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अच्छा, तो स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लिया करें। जितनी मैं डालती हूँ उतनी ही नहीं डाला करें आप भी, जितनी आपको अच्छी लगती हैं, जितना आपका टेस्ट अच्छा लगता है आप उतनी डाला करें। 1 teaspoon इसमें जाएगा नमक, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर और 2 teaspoon इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। आप पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद दरदरा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दरदरा यूज़ कर रही हूँ। अब इसको चंगी तरह से मिक्स कर देते हैं। इसके बाद अब हम इसको रखेंगे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम में ताकि चिकन गल जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो चिकन है ये चंगी तरह से गल गया है। तो इसकी लुक देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लुक है इसकी। बाकी मसाले और बाकी इंग्रेडिएंट जो भी यूज़ करने वाली हूँ उनको आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। तो अब इसमें ऐड करूँगी मैं लेमन। लेमन चिकन की स्मेल को ख़त्म करेगा और एक अच्छा सा टेक्स्चर देगा। तो 1/2 lemon इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। उसके बाद 2 मिर्चें ली हैं मैंने, इसको मोटा सा काट लिया है, ये डाल दूंगी मैं। तो मिर्चों को आपने बारीक कट नहीं करना, मोटा कट करके तो फिर आपने डालना है। इसकी करते हैं मिक्सिंग। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 tablespoon काली मिर्च। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप माप के भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसकी करेंगे मिक्सिंग। तो यहाँ पे माशाल्लाह से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम डालते हुए फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होना चाहिए, हाई या मीडियम फ्लेम पे आपने इसमें क्रीम ऐड नहीं करनी। बिल्कुल लो फ्लेम करके तो आपने 1/2 pack क्रीम का इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 1/2 pack क्रीम ऐड कर दी है मैंने। इसके बाद मेरे पास है नीलम अरशद हैं, इनका चैनल है यूट्यूब पे, बहुत ही अच्छे व्लॉगर हैं ये, इनकी थोड़ी सी रेसिपीज़ भी हैं। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इनकी रेसिपीज़ को, इनकी वीडियोज़ को देखा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसकी चंगी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसको 30 से 40 सेकेंड के लिए दम पर रखेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं दम पर रखती हूँ 30 से 40 सेकेंड के बाद माशाल्लाह से देखें हमारी जो मखमली हांडी है ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया का छिड़काव करेंगे और हमारी जो हंडिया है ये बनके बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। फाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से हमारी मखमली हांडी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी पहली रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे क्रीम। तो क्रीम को आपने थोड़ा सा सजा के इस तरह से लगाना है,
मैं पैक से ही लगा रही हूँ। अगर आपके पास कोई सांचा है तो आप सांचे की मदद से लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया लगाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।